बताइए डॉक्टर साहब, आप ये लैंटाना कमरा हाथ में पकड़े हुए तो इससे क्या करना चाहते हो? मित्रों, सबसे पहले मैं डॉक्टर साई सर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज साई सर अपने नासिक में आके हम सारे क्लाइमेट फ्रेंडली लोगों को बायोचार बना के कैसे आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत थरो ट्रेनिंग ये दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारी सारी टीम की ओर से, मेरे यशोदीप एग्रोहेड की ओर से, मैं साई सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, आप सबको पता है कि अपने देश में पार्थेनियम ग्रास और लैंटाना कैमेरा, ये दो इन्वेजिव वीड्स बहुत लार्ज स्केल पे सारे इंडिया के फॉरेस्ट पे और ओपन लैंड पे इसका बहुत लार्ज स्केल पे ग्रोथ हुआ है। और आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल इस लैंटाना कैमेरा और पार्थेनियम ग्रास के वीड के टोटल इरेडिकेशन के लिए, कंट्रोल के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया स्पेंड किया है। इसके बावजूद भी इस पे कोई इम्पोर्टेंट या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो मैंने ये सोचा है कि ये जो अपने इन्वेजिव वीड्स है, इसका क्यों ना हम बेनिफिशियल यूज़ करें। और जब मेरे साई सर से मुलाकात हुई तो ये समझ में आया कि अगर हम इसका बायोचार बना के सॉइल अमेंडमेंट के लिए और वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस अगर यूज़ करते हैं, तो ये सही मायने में लैंटाना कैमरा और दूसरे सारे बायोमास ये ब्लैक गोल्ड का काम कर सकते हैं। मित्रों, अब लैंटाना कैमरा के बारे में, जिसको मराठी में गरतुला बोलते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, इसका बॉटनिकल नेम लैंटाना कैमरा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत तगड़ा स्ट्रांग नोटिस इशू किया है और उनको डेडलाइन दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि आने वाले 2 साल में भारत के फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया के लगभग 45% एरिया में ये ग्रास आया है या इसका ग्रोथ हुआ है। तो सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी इस काम में जुट गया है और इसका निर्मूलन करने के लिए, मना जड़ से उखाड़ने के लिए काफ़ी खर्चा और प्रोविज़न उन्होंने करके रखा है। तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा युवक और किसान अगर इस काम में जुड़ गए, लैंटाना से बायोचार बना के अगर अपने खेती में यूज करते हैं, तो हमको साई सर ने ही बताया है और हमको भी गारंटी है कि अपने खेत से जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो ऑलमोस्ट डबल तक हम पहुंचा सकते हैं। माना जो हम केमिकल फार्मिंग करके जो भी पॉइजनस फूड खिला रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही, हम सोचते हैं कि ये इंसान को कोई शौक नहीं है, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, उसके बावजूद भी इसको कैंसर क्यों हो रहा है। तो रूट कॉज है दोस्तों, जो केमिकल फार्मिंग हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत लार्ज स्केल पे हम जहरीले केमिकल्स यूज़ करके जमीन के अंदर जो फूड बनाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो तैयार करते हैं, वो हम केमिकल फार्मिंग की कारण पूरा नष्ट कर रहे हैं। मित्रों, बहुत सारा किसानों का और इंडियन लोगों का ये आरोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, इससे भी प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन हम लोग बहुत जवाबदारी से और गारंटी से ये बात आपको बता रहे हैं कि अगर बायोचार जैसी चीज, जो सृष्टि की देन है, जो कई हजारों सालों से ये अपने पूर्वजों ने इस चीज को अपनाया था, ऋषि शेती या जो ओरिजिनल फार्मिंग था, आपको याद होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत अच्छा क्वालिटी का, बहुत
अच्छा न्यूट्रिएंट रिच फूड अपने खेती से पैदा करते थे, क्योंकि वो कभी केमिकल फार्मिंग नहीं करते थे। इसमें दो तीन प्रश्न है डॉक्टर प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा बताया और आप बहुत इंस्पायर्ड है कि एक क्लाइमेट चेंज के अलावा और हम और एक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ख़त्म ही कर देंगे, लैंटाना कमारा जो है पूरा देश में फैला हुआ है। अभी बोलिए, ये जो लैंटाना कमारा आपके हाथ में है इसको कोई ऐसा तोड़ के उसको निकाल के उखाड़ के ये साइज बनाना है तो उसका कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है, नहीं तो कौन सा कार्यक्रम में ये जोड़ सकते हम, जैसा नरेगा है? दोस्तों, श्री साई सर ने बहुत ही अच्छा सवाल भी किया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपन लेबर यूज़ करके, और मैं लेबर तो नहीं कहूँगा, जो अपने ग्रामीण भाग में विशेषता आदिवासी भाग में, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में अधिकतर आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी को उपजीविका का सबसे बड़ा साधन की रीति से अगर हम गवर्नमेंट के दो तीन प्रोग्राम ऐसे हैं, जैसे कि मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना का उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को परमानेंट रोजगार का अपॉर्चुनिटी देना, उनके उपजीविका का साधन निर्माण करके देना। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, ये ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बिलो पावर्टी लाइन ट्राइबल्स है या SC/ST कम्युनिटीज़ है या जो भी गरीब लोग हैं जिनको रोजगार का गारंटी चाहिए, तो ये एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट साधन है कि आप बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन से, वो तो परमिशन देना ही है, मना अपने को मिलना ही है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में जितना भी ये लैंटाना कैमरा और दूसरे टाइप के ग्रासेस विद द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर हम बस वो निकाल के इससे बायोचार बनाएंगे तो बहुत अच्छा इनकम सोर्स गरीबों के लिए परमानेंट तैयार हो सकता है। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, एक फैमिली मना एक हस्बैंड वाइफ कपल ये डेली आराम से 200 किलो तक रोज का ये रॉ मटेरियल जो है प्रिपेयर करके बेच सकते हैं, या तो अपना खुद का बायोचार का यूनिट लगा सकते हैं। और ये एक मास मूवमेंट की रीति से अब हम लोग सारों लोगों ने अगर तय कर लिया तो डेफिनेटली जो लैंटाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इंडिया में चल रहा है उसमें हमारा सहयोग हो जाएगा, और इसका इनडायरेक्ट यूज जो काफ़ी डिमांडेड है वो है कार्बन कैप्चर या ग्लोबल वार्मिंग कम करना, उसके लिए भी हम सबका, हम एक्चुअली हमारी वो जिम्मेवारी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने क्रिएट किया है, हमारे दैनंदिन व्यवहार से, हमारा कंज्यूमरिज्म के वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। हम जब अपने को दो चीज़ों से हमारा काम होता है या ज़रूरत से ज़्यादा हम जब यूटिलाइज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो अपने आप ग्लोबल वार्मिंग होना ही है। तो मेरे सारे आदिवासी भाइयों को, किसान भाइयों को इस काम में अगर हम इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट की मदद से कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम, अगर अभी रनिंग प्रोग्राम है तो अच्छा ही है, या तो फिर नया कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करके भी ये काम अपन कर सकते हैं और भारत को नेट ज़ीरो बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप जी, और जो आपने कार्यक्रम बनाया, अभी सभी साथी हैं इधर, सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।